हेलो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है। एक मेरी बीवा से नेहा नेहा जी का सवाल था कि सर मेरी स्प्लीन का साइज मैं कैसे चेक कराऊं, मेरे पेट में दर्द रहता है, कहीं मेरी स्प्लीन का साइज तो नहीं बड़ा हुआ है, मुझे स्प्लीन का साइज का टेस्ट करवाना है, मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं और किस तरह से ये टेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपको पेट में लेफ्ट साइड पसली के नीचे यहाँ पे दर्द होता है तो हो सकता है आपकी स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ हो, उसके कारण भी आपकी स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है जिसके कारण पेट में दर्द रहता है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, यदि आप किसी डॉक्टर को दिखा रही हैं, आपकी जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, आजू बाजू जो डॉक्टर्स हैं, किसी डॉक्टर को दिखा रही हैं, तो डॉक्टर यदि आपको CBC एक टेस्ट करवाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट अगर टेस्ट करवाता है, उसमें आपके रेड ब्लड सेल्स या WBC वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स काउंट बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर उस बढ़े हुए तो उसकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हो सकता है आपकी स्प्लीन का साइज बढ़ा हो या स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो आप किसी गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं, जो पेट का जो डॉक्टर होता है उसे गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, आप गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं ताकि उस चीज़ को डायग्नोज करके, पेट को चेक करके बता सके कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। और यदि उसको लग रहा है डॉक्टर को, तो एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं वो, और एक CT स्कैन भी करवा सकते हैं, एब्डोमन CT जो होता है, पेट की जो CT स्कैन होती है वो भी करा सकते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाकर आपको दो टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे डॉक्टर, एक तो CT स्कैन और एक अल्ट्रासाउंड USG। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता, कुछ और टेस्ट के लिए भी उनको लगता है, तो वो उसके बाद में आपको MRI की भी सजेशन दे सकते हैं। यदि कोई गंभीर समस्या है और स्प्लीन में कोई अंदर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, तो वो MRI के लिए भी आपके लिए एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करेंगे, हो सकता है आपको CT के लिए भी एडवाइस कर दें, उसके बाद ही अगर लगता है डॉक्टर को तो MRI टेस्ट ही कराएगा। तो इस तरह से आपकी स्प्लीन का साइज पता चल जाएगा और आपके पेट में प्रॉब्लम स्प्लीन के कारण हो रही हो, स्प्लीन के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन आपको किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाना है जिससे आपकी पेट की समस्या की प्रॉब्लम ठीक हो सके। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपके मिलने वालों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह की किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।